एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, मतलब पर्सनली मेरे लिए तो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मुंबई। तो वैसे तो मैं काफ़ी जगह इतनी जगह घूमी हूँ, फ्री हूँ हर कुछ मतलब, लेकिन क्या है ना, मुंबई के लिए एक कुछ फीलिंग ही अलग है। और जब मैं मतलब 10 या 11 साल की थी तो तभी से मेरे मतलब एक विश थी कि मैं अभी मुंबई जाऊँ और वहाँ रहूँ या जैसे भी, बट अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, अभी तो सिर्फ हम घूमने जा रहे हैं और मुझे एक काम भी है, वो काम मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो इसीलिए फिलहाल अभी हम जा रहे हैं और सुबह से मैं वेट कर रही हूँ अपने टाइमिंग का कि जल्दी से टाइम हो जाए मैं निकल जाऊँ, बट अभी भी टाइम नहीं हुआ है क्योंकि हम जा रहे हैं बाई बस, वॉल्वो बस है, हम उसे जा रहे हैं क्योंकि फ्लाइट से इस बार मेरे जाने का बिल्कुल माइंड नहीं था। मैंने सोचा कि पूरा सफर मुझे अच्छे से करना है तो इसीलिए हम वॉल्वो बस से जाएंगे। तो मेरा जो टिकट है वो है, मतलब टाइमिंग जो है टिकट का वो है रात को 9:10 का है टाइमिंग, और अभी बजे हैं 7, मतलब 7 बजने वाले हैं और हम बस निकलने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग वगैरह भी सब कंप्लीट है और बस जाना ही है अब हमें। तो सच में मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो बाकी तो वहाँ देखती हूँ और कि मुझे कैसा लगता है वहाँ जाने के बाद। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं पहले कहाँ जाएंगे, पहले हम जाएंगे बस, मतलब जहाँ से हमें बस लेनी है, जहाँ से हमारा टिकट है हम वहाँ जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं फिर। तो गाइज, मैंने अपना सारा सामान भी पैक कर लिया है और हम दो बैग लेकर जा रहे हैं। हाँ, जो भी पैक। तो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं और हमारी गाड़ी आने वाली है, हमने गाड़ी बुक कर दी है और सच में बहुत ही लेट बुक हुआ है। इतनी देर से हम ट्राई कर रहे थे बुक करने का, बट हो ही नहीं रहा था। फाइनली अभी हो गई और 5 मिनट में आने वाली है गाड़ी और मैं भी रेडी हूँ। गाइज, हमारी गाड़ी आ गई है और बैग रखते हैं, हम बैठते हैं अंदर। गाइस, हम लोग मतलब बोल रहे हैं कि यहीं पर वो बस लगती है तो यहीं से अभी हमें वेट करना है, क्योंकि अभी पूरा आधा घंटा है और अभी हम वेट करने वाले हैं यहीं पर। तो गाइस, हमारी फाइनली बस आ गई है और अभी हम जाने वाले हैं इसके अंदर। उन्होंने बोला सीट के नीचे डाल देना बैग। ये लिखा है यस। हाँ, तो ये वाला होगा ना। हाँ, वो KL है, ये होगा, ये होगा ना, थर्ड वाला, ये है ना थर्ड। तो बहुत बेटर है, तो ऊपर देखा ना, बहुत तकलीफ होता है। हाँ, डबल बेड है, डबल बेड के लिए डबल सीट है। लो, चलो अभी हम चढ़ते हैं ऊपर। ये इसके सीट नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर और हम भी फर्स्ट टाइम ही वैसे तो जा रहे हैं इसमें, देखते हैं अभी कैसा लगता है। तो मैं बड़े मजे आ रहे हैं ऐसा लगा। ओ भाई, सच में इनको तो, इनको ज्यादा मजा आ रहा है, तो जाएगा भाई तो। ऐसा लग रहा है फ्लाइट से ज्यादा मजा आने वाला है इनको तो इसमें, है ना। एयरफोन निकाली ना, लवे बनाओ, चढ़ते चढ़ो यार, आराम से गिर मत जाना। का पहली बार चढ़ लेगा बस में, मेरा है ना, इवन बेनिफिट क्या है, पूरा डबल है। आपको मिल गया सीट, मिल गया आपको सीट, मिल गया आपको, हां डबल है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना आप भी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बॉम्बे में ही रहता हूं। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र में। अच्छा, कभी पूरा मराठी है हम लोगों का, फर्स्ट टाइम है। ओके, सर्चिंग इवन YouTube, हां YouTube, ओके ब्लॉग। हेलो, ये मुंबई के फ्रेंड है, यस, ये अभी अभी मिले हैं हमको। ओके, ये भी हमारे साथ चैनल, आई एम प्रोफेशनल डीजे ओम। या ओके, नेम माधुरी, माधुरी। ओके, मायसेल्फ कृष्णा। ओके कृष्णा, कभी देखते हैं कैसा लगता है हमें, फर्स्ट टाइम हम इसमें जा रहे हैं तो कुछ। ये भूख किसको लगी है, आपको भूख लगी है ना, बहुत भूख लगी है, इनको टेंशन हो रही है बस कहां पर रुकेगी। इवन ड्रिंक अवेलेबल, बहुत कॉस्टली यहां पे बैंगलोर में। ओके, महाराष्ट्र में है ना, बहुत सस्ता मिलता है वहां पर, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, खाना फूड स्पेशली वड़ा पाव, वड़ा पाव या वहां पे तो सब खाने का अच्छा मिलता है, बट यहां पर कुछ अच्छा नहीं मिलता बैंगलोर में, यहां का इतना टेस्टी नहीं है। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट रेस्टोरेंट पर, मिल सकती है अभी तो। ठीक है गाइस, अभी हम मिलेंगे जहाँ भी रेस्टोरेंट पर ये रुकेगी वहाँ पर हम आपसे मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हम थोड़ा सा लेटते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। That's one. Okay.
मेरे भी YouTube चैनल है इवन डीजे होम ऑफिशियली मिक्स ओके कभी सब्सक्राइब करने के लिए टाइमिंग मिल गया तो मिल कर ठीक है हम तो अभी कर देंगे आपके चैनल को सब्सक्राइब और आप हमारे को भी कर देना और गाइस जो भी इसको ब्लॉग को देख रहा है वो आप लोग भी सब कर देना ठीक है बाय तो ठीक है गाइस अभी हम आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में फिलहाल हम सो जाएंगे अभी रेस्ट करेंगे तो मॉर्निंग में आपसे मिलते हैं ओके गुड नाइट बाय गुड मॉर्निंग गाइस तो अभी हम जो है दोनों सोकर उठे हैं और अभी 7 बज रहे हैं तो रात को हम लोग सो ही गए थे नींद आ गई थी बाकी अभी तो बहुत दूर है अभी तो आधे रास्ते हैं हमारी बस रुकी है इस वाले होटल पर तो अभी तो वैसे कुछ खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं है और टाइम भी क्योंकि ज़्यादा नहीं हो क्या टाइम हो रहा है 8:20 अभी 8:20 ही हुए हैं तो मन नहीं कर रहा इतनी जल्दी कुछ खाने का बाकी अंदर चलते हैं देखते हैं खाना है चलो अंदर चलते हैं देखते हैं क्या खाते हैं अभी चाय पीनी तो हमने छोड़ी थी तो गाइज़ अभी हमारी बस जो है रुकी है खाना खाने के लिए और ये होटल है तो अभी समथिंग 12:30 हो रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं खाएंगे भी देखते हैं क्या मंगाएंगे इधर बैठो तो हम मंगाने वाले हैं अभी क्या मेन्यू देखो कुछ हल्का सा ही मंगाना हो तो गाइस हमने खाना खा लिया है और अभी हमें फिर चल दिए हैं और अभी हम पहुंचेंगे 5 बजे तक अभी मुझसे बस वाले भैया ने बताया है कि आप 5 बजे तक पहुंच जाओगे अंधेरी ईस्ट पर हमें उतरना है फिर वहां से हम अपनी फ्रेंड के घर जाएंगे तो अभी तो और लंबा सफ़र करना है हमें बहुत ज़्यादा अब हम सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए फिर से और यहाँ का जो मौसम है मुझे तो अभी तक तो ठीक ही लग रहा है वैसे इतनी गर्मी भी नहीं है ठीक है मौसम और तो फिर मुंबई पहुँच कर देखते हैं वहाँ का कैसा होगा बारिश हो रही है तो कोई नई बात है बारिश तो होगी
बारिश की वजह से देखो तोप रखी है, तोप तुम्हारे फोन की तरफ हुई है, देखो तोप का मुंह तुम्हारे फोन की तरफ को। यार जितना सुंदर बना रखा है ना, लोग मुंबई पहुंच चुके हैं और अभी हमने ओला बुक किया है तो हमारी करंट लोकेशन जो है वहां पर हमें जाना है अभी। तो अभी तुम्हारा फ़ोन बंद हो गया, ऑन करो इसको, अभी 5 मिनट में आ रहा है ओला। हाँ अभी 6 मिनट हैं तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, अब हम आपसे डायरेक्ट मिलेंगे अपने फ्रेंड के घर पर। ये कंफ्यूज भी फोन आया है ना? अरे 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 हम लोग आ गए हैं अब बाहर बीच पर घूमने के लिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मन लग रहा है यहाँ पर। नहीं देना बाबू। गाइस अभी हम लोग खाना खाने आए हैं और अभी हम चलते हैं इसके, यही है ना, यही है, इसके अंदर जाएंगे और खाना वाना खाएंगे। हम लोग अपने फ्रेंड से मिल लिए और अभी हम लोग जाएंगे अपने होटल जहां हमें रुकना है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। तुम दिखाई भी नहीं दे रहे हो, इस साइड आओ, उल्टा साइड ही जाते हो। तो अभी जो टाइम है वो बज रहा है शायद 7 ही बज रहा है अभी, और बस मार्केट बंद ना हुआ क्योंकि मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता है कि किस टाइम ओपन होता है और किस टाइम बंद होता है, क्लोज होता है। तो ठीक है अभी हम लोग चलते हैं मार्केट, बाहर से ऑटो करेंगे फिर मार्केट चलते हैं, देखते हैं वहाँ हमें क्या क्या पसंद आता है क्या पसंद नहीं आता है। ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ ले चुकी हूँ मैं बैंगलोर, कभी कहीं कभी कहीं, पर थोड़ा बहुत जो पसंद आएगा तो ले लेंगे। फिलहाल घूमने के लिए ऐसे चलते हैं अभी, ठीक है। तो इधर अमिताभ बच्चन का घर है, घर हुआ बंगला, बंगला अच्छा, इसीलिए वो लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं इतना बाहर। देखो वहाँ पर गार्ड भी खड़ा है बाहर। नहीं कोई बात नहीं, चलो आप है? नहीं कोई बात नहीं, आप चलो, कोई बात नहीं, वीडियो बन गया, फोटो नहीं खींचना। जाओ मिलो तो पूरा पैक कर दिया हुआ है, पूरा देखो ऊपर तक पूरा छापा हुआ है। कहाँ से आप लोग? हम वहाँ पे मीनार है ना, कुतुब मीनार है, दिल्ली सिटी है। हाँ वैसा ये जगह है। अच्छा यहाँ पर अभी थोड़ा बंद किया है। हाँ आइए लाउट है, नहीं तो मालूम है यहाँ जगह नहीं है। पोस्टर बने हुए हैं। यहाँ पर ही मिल जाए। व्हाइट वाला भी देखो, वाले कितना अंदर मिलेंगे आप? यही वाला मिल जाएगा, खत्म हो गए सब। व्हाइट व्हाइट प्रिंट वाले ऐसे में देखो ना, आपके लिए तो ऐसा लगा हूँ ना, डियोर का है, एमके का है, एलवी का है, इतना सब मिल जाएगा। ये भी अच्छा है। हाँ ये वाला निकालना, ट्रांसपेरेंट है, यही कर दो, चलो अभी। सो गाइस अभी हम लोग मार्केट के बाद आए हैं, हमें थोड़ी सी भूख, तो हम लोग इस वाले रेस्टोरेंट पर आए हैं और ऑटो वाले भैया जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। उन्होंने बोला आप आराम से, मतलब जो आपको खाना पीना है, यूपी से हैं, यूपी से हैं वो। तो अभी हमने शेक ऑर्डर किया है, एक लीची एक मैंगो का, तो टेस्ट देखते हैं कैसा है उसका। बाकी मैंगो शेक अच्छा होगा ना, अपना कोल्ड कॉफी का मैंगो शेक आ गया है और कृष्णा का है लीची, दोनों का लग रहा है। मुझे नहीं पता टेस्ट।
इधर देखो सब फोटो खींच रहे हैं। ये इधर बसेरा किसका है? इसका है, ये बसेरा शायद बसेरा है किसी का, श्री देवी का था। श्री देवी का जिधर हम रहते हैं, मतलब जिधर होटल लिया हुआ है। अच्छा, जो मड़ा का जो पिछवाला रहता है ये शाहरुख खान का है। देखो सब फोटो खिंचवा रहे हैं, इतना भीड़ है शाहरुख खान के घर के लिए। अभी बस को जाने दो। ये मन्नत है यार, ये नेम प्लेट भी इतने अच्छी तरीके से लगी हुई है। साइड में थोड़ा लगा लो आगे, दोनों आगे लगा तो अभी होगा थोड़ी ना, ओपन है वैसे भी है। नहीं होगा, इतने लोग फोटो खींचते हैं। शाहरुख खान ने तुम्हें तो इनवाइट किया है वैसे भी। आओ साइड साइड से आना, शाहरुख खान ने तुम्हें इनवाइट किया है ना आज घर के लिए। बट दूर से बनाएंगे ना, दूर से अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारा बना रही हूँ, तुम मेरा बना रहे हो। देख रही हूँ मैं शाहरुख खान किधर आता है, यहाँ खड़ा होता है ना जब अपने बर्थडे पर यहाँ आता है वो शाहरुख खान। और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बिल्डिंग होती है ना, जैसे रेंट वगैरह पे देते हो वो, ऐसा वाला बन। इतना भीड़ लगा हुआ है शाहरुख खान के घर के लिए, सच में। जाओ पास में मन्नत के पास, चलो उधर, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर लोगों की। इधर आओ ना, ब्लैक आ रहा तुम्हारा फेस। हाँ वो पहले मैं सही से देखूंगा ना, देखो ये क्या भी सही से। सो गाइस अभी हम लोग बीच पर आए हैं, जुहू बीच और काफ़ी पब्लिक है अभी भी। झूठ मत बोलो, उस बिल्डिंग को बोल रहे हैं तुम्हें बहुत पता है। बट सच में यहाँ दिन में बैठूँ मतलब शाम के टाइम और पानी में कितना अच्छा लगेगा ना। अभी रात हो गई, मुझे पानी से बहुत डर लगता है ऐसे रात में देखती हूँ तो। यहाँ दिन में फोटो कितना अच्छा आते हैं ना। हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है मुंबई में आके, सिर्फ सोने पर ही रहे हैं और अभी घूमने आए हैं और अभी हमें कल फिर निकलना ही है घर। सच में जहाँ हमारा होटल है उधर होना चाहिए था ना, ऐसा लो कंटिन्यू है। सच में ऐसे ही लग रहा है। करो तो सही मेरे मत। जाओ जाओ ब्लॉग ही बना रहे हो, जाओ डर कर रही हो। सिल्वर मैन जाओ ना पास, पैसा आके दिखाओ ना। पेटीएम करना है तुम्हें भी बन गए। 100 ही दे दो, जाओ निकलो यहाँ से। पता है उनका यूट्यूब चैनल भी है, बेचारा हट गए थक गए। चले अंकल चले, हाँ चलो इधर ही खींचना है। चलो जाओ बैठते हैं पार्क में। जहाज के अंदर रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ बैठते हैं। वो दिल्ली में है जो रेस्टोरेंट वाला भी बना हुआ है, एक वो बहुत बड़ा बना हुआ है, तो पार्क के अकॉर्डिंग बना है छोटा। हाँ सीट बनी है, बैठते हैं ऐसे अंदर। हाँ तो पार्क है ना ये पूरा, उधर से इससे भी बहुत बड़ा, ये तो आधा है, बहुत बड़ा है वो। हाँ वो पूरा बहुत ऐसी बिल्कुल लग्जरी एकदम अंदर से पूरा रेस्टोरेंट है। बीच है, बीच है ना ये भी। हाँ तो मेट्रो लेना है। ये है अमिताभ बच्चन जी का घर, ये गार्ड्स खड़े हुए हैं अभी। तो
हमने ऑलमोस्ट सभी बड़े बड़े हस्तियों के, जो भी बड़ी बड़ी हस्ती हैं, उनके सबके घर देख लिए आज। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने वापस रूम पर, तो अभी रूम पर जाते हैं, फिर आपसे मिलेंगे हम। हमारा जो रूम है उन लोगों ने चेंज कर दिया, अभी पहले हम नीचे थे, अभी थर्ड फ्लोर पर है। और हम मार्केट से आ गए हैं घूमकर, हमने सारी बड़ी बड़ी हस्तियों के ऑलमोस्ट घर देख लिए हैं, जो कृष्णा के क्या था वो फेवरेट, शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान फेवरेट, और मोस्टली कृष्णा जब चाहें यही था कि मैं बस घर देखूंगा, फोटो क्लिक करवाऊंगा। तो कृष्णा की जो इच्छा थी वो तो पूरी हो चुकी है, और मेरी इच्छा थी कि मैं जो मुझे पसंद आए वो मैं सामान ले लूँ। तो अभी मैं वन बाई वन आपको दिखाऊंगी ओपन करके कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मार्केट से। तो फिलहाल मैं अभी मैं चेंज कर देती हूँ, उसके बाद आपको ये सब दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या वहाँ से लेकर आई हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको सारा सामान ओपन करके दिखाने वाली हूँ और प्राइस भी बताने वाली हूँ कि मुझे मुंबई का शॉपिंग और प्राइस कैसा लगा। तो ठीक है, वन बाई वन हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमने ये टी शर्ट ली थी, तो ये वाली टी शर्ट तो कृष्णा की है, रेड कलर है और साइज है एक्सल। तो ये हम कितने दी थी, 350 तो ये दी थी उन्होंने 350 की, और मैंने भी सेम कलर लिया है बट डिजाइन थोड़ा सा चेंज है, और ये भी 350 की थी तो मुझे ठीक लगा। और मेरा साइज XXL है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, इस वाली टी शर्ट से भी ज्यादा बड़ा चाहिए था, तो ये मुझे ठीक लगी। नॉर्मल प्राइस है, इतने में तो मिलता ही टी शर्ट वगैरह। फिर उसके बाद मुझे ये टॉप पसंद आया था, जो बहुत क्यूट है और छोटू सा है, जैसे अभी मैंने पहना हुआ है सेम इसी की तरह है। तो ये टॉप था 200 का, ये वाला भी, और फिर मैंने इसी का एक और कलर लिया है, तो ये वाला कलर ज्यादा अच्छा लग रहा था वैसे मुझे, और ये भी 200 का ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने ली थी एक, मैंने जींस ली है, कार्गो जींस है ना, क्या कार्गो जींस, कार्गो जींस, कार्गो नहीं, कार्गो, तो ये इनको अच्छी लगती है ये वाली जींस, तो इसलिए मैंने ली है। और इसका प्राइस कितना बोला था उसने, समथिंग 900 1000 बोला था उसने, 1800 बोला था, और हमने थोड़ा सा बार्गेनिंग की और हमें मिली है 800 में, तो ठीक है 800 में, ठीक है। और उसके बाद गाइज मैंने ये तीन इयररिंग्स लिए हैं, जो बहुत क्यूट से थे और अच्छे भी हैं, ये तो हर जगह लेने होते हैं। 1 ये ब्लैक कलर है, 2 एंड ये पिंक है, 3 एंड ये सिल्वर था। तो इसका था प्राइस, ये 100 रुपीज थे तीनों, मतलब 1100 का था, 800 का था, तो मैंने तीन लिए हैं, ठीक है। एंड गाइज मुझे ये शर्ट चाहिए थी, मतलब मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी सी लॉन्ग सी है, मुझे मिल भी नहीं थी, तो इसका भी मैंने दो ही लिया। ये पिंक कलर है, तो ये तो हमने, मैंने जारा की ली है, और थोड़ी महंगी मिली है क्योंकि जारा है तो महंगी मिलेगी। और एक इसका मैंने घिवाला कलर लिया है, तो आई थिंक कितने का बिल बना था इसका, ये एक शर्ट थी समथिंग 2000 कुछ की थी एक शर्ट, तो मैंने दो लिए, मुझे ये दोनों ही कलर बहुत सुंदर लग रहे थे, ठीक है। इसके बाद पानी की बॉटल जो हमने बस पीने के लिए ली थी। एंड मैंने गाइस ये बूट लिए हैं, लॉन्ग बूट नहीं है, शॉर्ट बूट है, मुझे अच्छे ही लगे थे बहुत ज्यादा। इसका रेड भी था बट रेड इतना कंफर्टेबल मुझे नहीं लगा जितना ब्लैक लगा था, तो मैंने ब्लैक लिया है। ये इसके इधर स्टोन भी है और इधर आप जिप भी है, इसको खोल के ओपन करके पहन सकते हो कंफर्टेबल आराम से। तो ये भी उन्होंने बोला था 1000 है ना, 1000 रुपए की बोली थी उन्होंने ये, बट मुझे मतलब जहां मैं गई थी शॉपर मुझे पता था ये 1000 की तो नहीं है, तो मैंने उनसे बोला कि भैया मैं दूंगी आपको 700 हमने 700 उनको दिए थे, तो पहले तो वो मना ही कर रहे थे, फिर उन्होंने दे दिए, तो मैंने इनको ले लिया है। और अभी लास्ट जो मेरा फेवरेट है सच में, तो गाइज मैंने एक बैग लिया है और ये मुझे काफी पसंद आया था, इसका ब्लैक कलर भी था बट मैंने सोचा ब्लैक आजकल बहुत ज्यादा चीजें ब्लैक ही है, तो मैंने सोचा व्हाइट लेते हैं, व्हाइट एकदम से यूनिक सा कलर है, बहुत सुंदर भी लगता है, एकदम स्मार्ट लुक। तो गाइज ये है मेरा बैग, तो आप मतलब मुझे बहुत ही सुंदर लगा था ये बैग। और इसका प्राइस जो है कितना था वो जाती हूँ, इसका भी 1200 दिया था। हाँ, इसका प्राइस 1200 था और वो फिक्स प्राइस था, कोई कम नहीं करना था, कोई ज्यादा नहीं करना था, तो हमने, और जो इसका ब्लैक कलर था उसका थोड़ा कम था, उसका शायद 1000 मतलब 1000 था, और इसमें काफी गैप भी है इस बैग में, तो और इसकी ये बेल्ट दी है लॉन्ग करने के लिए, बाकी मुझे तो ठीक नहीं लगती, ऐसा ही ज्यादा अच्छा लगता है ये। तो मैं इसको कल कैरी करने वाली हूँ, मतलब जब मैं जाऊंगी एयरपोर्ट, तो अभी मुझे ड्रेस भी डिसाइड करनी है मैं कल क्या पहनकर जाने वाली हूँ। एंड एक सरप्राइज और है कि हम लोग कल ही घर जा रहे हैं, बट मेरे घर पे किसी को भी नहीं पता, तुम्हारे घर पे पता है? नहीं पता किसी को, कृष्णा के घर पर भी नहीं पता, हमने नहीं बोला कि हम लोग आ रहे हैं, तो हमने बोला कि अभी हम एक दो दिन बाद आएंगे, ऐसा हुआ कि मेरा अभी मतलब क्या मेरे घर पे तो कोई पता हो ना हो कोई फर्क ना पड़ता नहीं, बट मेरे घर
ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम अगर अचानक से सरप्राइज दोगे तो खुशी हो जाएंगे। वैसे भी इतना कॉल करते हैं कि घर वाले, इतना कॉल करते हैं किसी से बता नहीं सकती हूँ, इतना वेट करते हैं वो लोग कि कब आओगे कब आओगे। तो इसलिए हमने सोचा हम यहाँ आए तो ठीक है घर भी चलते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं, और इसलिए हम लोग जा रहे हैं कल घर और किसी को भी नहीं पता है। बाकी कल मिलते हैं आपसे, अब तो हम सो जाएंगे। तो ठीक है गाइस, अभी हम लोग, हमें सुबह जाना है, हमारी फ्लाइट है 9 बजे की, तो हमको निकलना पड़ेगा यहाँ से समथिंग 6 बजे, तो हमें उठना पड़ेगा 5 बजे। तो और अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो आप समझ सकते हो कि हम कितना सा सोने वाले हैं, क्योंकि ये सारा सामान अभी मुझे पैक करना है अच्छे से, और उसके बाद मुझे सुबह को उठना है। तो फिलहाल अभी हम जल्दी जल्दी करते हैं सारा पैकिंग, फिर सो जाते हैं, फिर आपसे हम मॉर्निंग में मिलेंगे। ओके बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर, एंट्री करेंगे। और अभी जो है कितना बज रहा है जल्दी बताओ, 6:30 हो रहे हैं अभी, 8:30 चेकिंग टाइम है। वो दो निकालो यहाँ से होगा यहाँ। तो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं और अभी हमारा जो गेट नंबर है वो है 9, तो हम बस उधर ही है, तो हम पास में ही बैठे हुए हैं अभी। और मैं उठ गई थी सुबह ही, अभी मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़, मेरी आँखें भी लाल लाल सोच रही, मन कर रहा है बस मैं सो जाऊं, कहीं भी ना जाऊं। इनसे मैंने मना किया था इतनी जल्दी का टिकट मत किया करो, क्योंकि मुझसे नहीं उठा रहा था, 4 बजे उठ के जाओगे, 5 बजे ना सुबह में एकदम, ऑलरेडी सोते सोते हमको टाइम हो गया था पैकिंग करने में, हमें 2 बज गए थे रात, तो सोचो 2 बजे हम सोए हैं, उसके बाद में अब 4:30 बजे अलार्म लगा दिया था, 4:30-5:30 बजे अलार्म लगा दिया था, तो आँख खुल गई हमारी, उठ गए हम लोग, अभी हम लोग निकलेंगे चले जाएंगे। उसके बाद अब मन कर रहा है बस मैं सो जाऊँ, मेरा कुछ बताने का कुछ कहने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत तेज नहीं आ रही। ठीक है गाइज, मैं अभी आपसे मिलूँगी फ्लाइट में बैठने के बाद, बाय। गाइज हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं और बोर्डिंग कंप्लीट, कृपया ध्यान दीजिए आपकी सुरक्षा के लिए सरकारी नियमों के अनुसार हैंड बैगेज में या चेकिंग बैगेज में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ले जाना मना है, आपकी सेफ के लिए धन्यवाद। फॉर योर सेफ्टी गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रोविड्स द कैरेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स इन हैंड बैगेज एंड चेकिंग बैगेज, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। सभी यात्रियों से निवेदन है अपनी स्थान पर ही बैठे रहें, रिक्वेस्टिंग ऑल पैसेंजर्स टू रिमेन सीटेड। गाइस बाहर बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा, मुझे विंडो सीट मिली है तो इसका शीशा गंदा हो रहा है, और बारिश की बूंदें गिरेंगी नहीं। सुनो तो मैं क्या बोल रही थी, मुझे दिन में सफ़र करना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे वो बादल बहुत सुंदर लगते हैं ऊपर के, तो विंडो सीट हो तो अच्छा लगता है। आज विंडो सीट भी मिली लेकिन आज कोई आज कोई फायदा नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है और कोई भी ऊपर बादल मुझे दिखने वाला नहीं है आज, बस पूरा मौसम ऐसे ही दिखेगा जैसे कोहरा आता है ना इस टाइप से। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट और अभी हमें अपना बैग लेना है, और बैग इसके बाद ले ही आया, और तुम्हें दे दिया स्टार्टिंग में ले लेती हूँ, बैग पर भी ध्यान रखना। अभी हम इसके बाद उबर करेंगे और चलते हैं डायरेक्ट धामपुर, तो हम बाहर मिलेंगे अभी आपसे। वैसे तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है क्योंकि हमने फ़्लाइट में भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था और कार्ड था और वो कार्ड स्वाइप नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए अभी बहुत तेज़ भूख लगी है, हमें जाना है। आया बैग नहीं, तो अभी हम लोग निकलते हैं फिर आपसे बाहर मिलेंगे, बाय। तो गाइज़ हम लोग बैठ चुके हैं अभी गाड़ी में और हम जा रहे हैं सीधा धामपुर, अभी हम रास्ते में रुकेंगे क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है, तो अभी देख रहे हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट वगैरह मिलता है तो हम लोग रुकेंगे, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। गाइस हम लोग गजरोला पहुंच गए हैं और मैंने लिया है इतनी गर्मी में समोसा क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था, काफ़ी टाइम हो गया खाए हुए, और समोसा तो वैसे भी मेरा फेवरेट है। और कृष्णा बाहर गए हैं अभी और ड्राइवर भैया भी बाहर गए हैं, तो बस हम 1 घंटे में और धामपुर पहुंच जाएंगे अपने घर पर। तो ठीक है, अब तो हम आपसे डायरेक्ट धामपुर में मिलते हैं, और अभी तो किसी को भी नहीं पता मेरे घर पर कि हम लोग आ रहे हैं धामपुर, तो वो सरप्राइज ही है, तो देखते हैं अभी वहाँ चल कर। मम्मी नमस्ते। है कोई ना? अचानक सरप्राइज दिया है हमने।
इन्होंने वो हटा दिए लगाए हुए किटी तो गाइज मैं अपने घर आ गई हूँ आराम से, और सच में घर आने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है अपने। अरे 20 रुपए कुछ भी नहीं देंगे हम आपको, फेमस कर देंगे। तो हम लोग आए हैं अभी मेले में, धामपुर में लगाया हुआ है मेला, तो थोड़ी सी देर के लिए हम सिर्फ घूमने आए हैं यहाँ पर। तो गाइज अभी देखो ये लोग चला रहे हैं फोन, कृष्णा कर रहे हैं अपनी रील्स एडिटिंग, ये हेल्प कर रहे हैं। तो गाइज मैंने आपको सभी कुछ दिखा दिया है और मैं घर भी आ गई हूँ। तो ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, नेक्स्ट हमारा जो भी प्लान होगा वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।